पहाड़ की ठंड, पहाड़ की चाय, सबसे वो सब ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते थे घर सारे पत्थर और मिट्टी के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का फिर से मेरे व्लॉग में बहुत टाइम बाद स्वागत है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, हम जा रहे हैं ऋषिकेश से गांव। तो ये टूर रहेगा पूरा हमारा, और हमारी जो फैमिली है वो आगे जा चुकी है गाड़ी में, और हम जा रहे हैं इसमें जो भी है। तो हमारे साथ हैं मेरे बड़े भैया, ये संदीप इनका नाम है। तो बाकी हम अभी देखिए व्यू के मजे लीजिए आगे के ब्लॉग। आगे आगे बताते हैं, चलिए। तो आज हम जा रहे हैं गांव ऋषिकेश से टिहरी गढ़वाल, और हमारी गाड़ी हो चुकी है ऑलमोस्ट फुल। एक और गाड़ी आ रही है जिसमें जाएंगे लोग, इसमें तो पूरा लगेज जा रहा है सबका, इसमें लोडेड होते हुए। तो ये तो नहीं जा रहा है, ये तो दरी है। एक सवारी दो सवारी ये हो गई है, दो गाड़ियाँ मतलब, और हम दो जा रहे हैं, मैं और मेरा भाई। इसमें ये पहुँचाएगी हमने गाँव। सुबह सुबह ऐसी चीज़ें रोज देखने को कभी कभी मिलती हैं। ये आपस में दोनों दोस्त खेलते हुए। And his name is John C. तो भाई एक और गाड़ी फुल हो गई है, ये भी चली आ रही है, एक चले गई है, हम भी चलते हैं। तो भैया बाय बाय बाय। भाई जैकेट क्यों पहन रखे तूने? अरे आगे बहुत ठंड है। अच्छा, अभी आपको भी डालनी पड़ेगी। हम जा रहे हैं फिर, चलो लेट्स गो। पहनो हेलमेट, ये लो, ये देखो लड़के वाला हेलमेट पहनेंगे भैया। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने गांव के लिए, और जस्ट ये जो आप देख रहे हो ये रोड ऋषिकेश की हरिद्वार हाईवे है, और ये जो सामने पहाड़ है वो नीलकंठ के पहाड़ हैं। तो चलिए फिर आपको आगे रास्ते में ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे व्यूज दिखाते हुए चलते हैं। चलो भैया रिलायंस पेट्रोल भर गया। ओके, गाना कौन सा लगाऊं? लगा ले कोई से भी। गाइस ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है चंबा, अपने उत्तराखंड में। एक चंबा हिमाचल में है और एक चंबा उत्तराखंड में है। तो ये वाला चंबा उत्तराखंड का है। तो हम अभी चंबा से होते हुए जाएंगे, फिर हम उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद टिहरी से न्यू टिहरी लेक से होते हुए जाएंगे, आपको टिहरी लेक दिखाएंगे। तो चलिए फिर अभी ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, थोड़ा चंबा दिखा के रिचे।
अभी हम आ गए हैं बागवाटा, जो कि है चंबा से आगे, और टाइम हो रहा है 8:30। टोटल 2.5 घंटे की हम राइड करके आए हैं अभी, और अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट टाइम है। घर से कुछ खा के नहीं आए थे, बस चाय पानी पी के आए थे। तो ये जगह है, बहुत ही नेचुरल जगह है। ये साइड में थोड़ा पानी है यहाँ पे, भैया पीने का पानी एकदम साफ चिट चलो भैया ब्रेकफास्ट। ओ भैया बैठ गया हम यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इतनी देखो जैकेट पहन रखी है, गर्मियों का टाइम है, अप्रैल का महीना है, फिर भी इतनी ठंड हो रही है। पूरे हाथ कांप रहे हैं, ऐसे सुन हो गए हैं हाथ। अभी सही आ रहा है, अभी चाय पी के थोड़ा मजा आया। कोलकाता दो, दो प्लेट पराठे और चाय। कोलकाता कहाँ पहुँचे हैं? पता नहीं। लो देख रहा हूँ क्या हालत हो रही है हमारी यहाँ पे। ऋषिकेश में इतनी गर्मी थी और यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि अलग ही जगह आ गया। अब जब ऊपर चलेंगे। अरे वाह वाह, आ गए भैया आपने। दो चाय भी ला दो। चलो भैया अचार ले लो वहाँ से। अरे नहीं यार अचार नहीं, क्या बात, तोड़ो टेस्ट हो जाए, देखते हैं कैसा होता है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। दो चाय भी ला दो भैया। भाई 2.5 घंटे की राइड, मजा आ गया। उसके बाद जो सुबह ब्रेकफास्ट में भूख लगती है ना, और ऐसी ठंडी जगह में चाय और नाश्ता मिल जाए, मजा ही आ रहा है। हाथ में बोलेंगे ना भाई। नहीं बोल अभी छोले नहीं है भैया, छोले खा रहे आप तो ऐसे यार, चने दे रहे हो, छोले लाते हैं। गाड़ी कहाँ जाएगी, फस रहे हो। इतना इतना तो हुआ भी नहीं कुछ यार। अभी क्या हुआ, हम ना हमें ना छोले मंगाने थे, तो एक ना छोले लेके आ रहा था किसी के लिए, अपनी वाइफ के लिए आ रहा था। तो मैंने गलती से उसको बोल दिया भैया छोले हमें भी ला दो। बस मतलब जो सर्विस मैन था उसको नहीं बोला, किसी और को गलती से बोल दिया छोले ला दो। उस बात पे हंस रहे हैं भैया। जल्दी क्या, मेरे पास जाल थोड़ी है सर, छोले चाहिए आप। धक्के मुक्के खा के आ रहा हूँ आजकल किसी के। और क्या लगी अच्छी है, पहाड़ की चाय के सामने कोई भी चाय अच्छी नहीं है। आपका पहाड़ की चाय और पहाड़ की ठंड, पहाड़ की ठंड, पहाड़ की चाय सब पे। पानी देख रहे हो कितना नेचुरल आ रहा है। सो गाइस अभी यहाँ पे नाश्ता हमारा हो गया, ब्रेकफास्ट, तो अभी निकलते हैं। बस काफ़ी दूर जाना है अभी, यहाँ से जाएंगे हम टीरी डैम क्रॉस करते हुए जाएंगे कंसाली, फिर कंसाली में स्टॉपेज रहेगा हमारा, वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग वगैरह करनी है, उसके बाद वो हमारा मेन मार्केट है, उसके बाद हम अपने गांव के लिए निकलेंगे। बाकी आगे को ब्लॉग में दिखाता हूँ, चलिए लेंगे। छोटा टूरिस्ट लोग
हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा घनसाली, आपको वहाँ पे मिलते हैं। बीच में कुछ सिनेमैटिक मिल गया तो बना देंगे। अरे इतनी प्यारी जगह छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, पहले मैं एक बार गाँव गया था वहाँ पे मिलकर आ गाइज। अभी हम आ चुके हैं घनसाली, जो कि हमारे गांव से सिर्फ 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये यहाँ का मेन मार्केट है, और चलिए आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। ये है घनसाली मार्केट। यहाँ पे जितने भी आसपास गांव हैं वो सब अपना शॉपिंग करने या जो भी अपना सामान खरीदना होता है उनको बड़ा बड़ा, वो सब इधर ही आते हैं। ये यहाँ का मेन मार्केट है घनसाली। अभी भी हमको 30 किलोमीटर और जाना है यहाँ से, थोड़ा यहाँ पे शॉपिंग करनी है और उसके बाद हम निकल जाएंगे गांव के लिए। फ़ोन में बैटरी बहुत कम हो गई है, 5% बैटरी है सिर्फ, तो देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं हम इसको। ये देखिए इनको स्कूटी चलाने का इतना शौक़ है, चलानी आती नहीं है, अभी सीख रहे हैं। चलिए आगे चलिए। सो गाइज, अभी हम घनसाली से आगे आ चुके हैं और थोड़ा हमने स्टॉपेज लिया है, यहाँ पे मंदिर था तो बस यहाँ से निकलते हैं। अभी हमारा गांव थोड़ा ही दूर है, वो माउंटेन दिख रहा है आपको इसके पीछे वाला माउंटेन, वो वहाँ हमारा गांव है उस पहाड़ पे। दिखाऊंगा मैं आपको आगे वहाँ जहाँ से दिखेगा, इधर से दिख नहीं रहा है। बाकी यहाँ पे ये पेड़ हैं चीड़ के, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, देखिए कितने बड़े पेड़ हैं, बहुत बड़े पेड़ हैं, और बहुत ही सुंदर रास्ता है ये। अच्छा चलो यार चलते हैं, चलते हैं, काफ़ी लेट हो गई है। हमारे साथ वाले काफ़ी आगे पहुंच गए हैं, टाइम देखो 12 बजने वाला है यहाँ, जबकि हमें 11 बजे तक घर पे होना था, हमने काफ़ी टाइम पास किया है। चले फिर। सो तुम हमारा गाँव, मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये वाला हमारा गांव है, पूरा एरिया इधर से ये वाला गांव में आता है। बाकी यहां से बहुत छोटा लग रहा है, बाकी आपको उधर ही दिखेगा। अभी हम ये रोड से जा रहे हैं, इधर से इधर जाएंगे फिर इधर आएंगे, वो पीछे से घूम के इधर से फिर वो पहाड़ क्रॉस करके हमने इधर जाना है, वो ऊपर हमारा गांव है यहाँ। चलो 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 चल रहे यार भैया। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने गांव, तो ये
जो आप देख रहे हैं ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव। आस पास का नजारा गाइस, फाइनली हम गांव पहुंच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है बस 1 बज गए ऑलमोस्ट, सुबह 6 बजे निकले थे, ऑलमोस्ट 6 घंटा लग गया हमें गांव जाने के लिए। तो दिखाते हैं आपको ये हमारे गांव का व्यू, ये एकदम क्लीन एयर, क्लीन क्लाइमेट, एवरीथिंग इज क्लीन एंड ग्रीन। छोटा सा प्यारा सा गांव, मतलब फैला हुआ है काफ़ी आगे तक है, यहाँ से दिखेगा नहीं, कुछ एरिया उधर भी है। काफ़ी हाइट पे गांव है, मैंने मैप पे चेक किया था तो ये ऑलमोस्ट 2000 मीटर से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट मसूरी की हाइट जितना है। उधर से आ रहे हैं हम, उसके पीछे है टीरी, वो जो पहाड़ है इसके पीछे टीरी है। चलिए अभी घर चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके। चलो भैया, चलो भैया। अरे यार तूने उसकी बैटरी खत्म कर दी। बैटरी तो पूरी ख़त्म हो गई, ऑलमोस्ट 5% बची है। आपको लास्ट बस ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता, बस घर दिखाता हूँ अपना और वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी गाँव की शादियाँ, गाँव के रीति रिवाज जो भी होते हैं वो सब आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, इतना तो हमें भी नहीं पता, और जो कुछ हो सकता है वो दिखाऊंगा आपको जब तक ये छुट्टियों में हूँ। देखिए रास्ता हमारे गांव का कैसा है, ये रास्ता है, इस पे बाइक नहीं ले जा सकते ना ही कोई और वाहन। अभी रोड यहाँ है नीचे, और यहाँ से और हमें ऑलमोस्ट 150 मीटर पैदल जाना है ऊपर अपने घर पर। कुछ भी काम सामान हो सब उठा के लेके जाना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये रोड यहाँ तक आ भी गई है, वरना यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे रोड थी, वहाँ से सामान उठा के लाना पड़ता था। अभी सिर्फ 150 मीटर पास है घर के, तो बहुत इजी हो गया है। चलिए भैया घर थोड़ा ही नज़दीक है। तो गाइस ये गांव के घर ऐसे होते हैं, ये जो पुराने घर हैं वो सब ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते थे घर, सारे पत्थर और मिट्टी के, और ऊपर अभी पहले ऊपर भी पत्थर रखते थे पर अभी ये सब प्लेट्स रखने लग गए हैं। और अभी जो लोग घर बना रहे हैं वो कुछ ऐसे टाइप में बना रहे हैं मजबूती के लिए, वरना ये ही पुराने घर हैं। ओ भाई, ऐसे मधुमक्खी का यहाँ पे घर पे मधुमक्खियों को पालते हैं शहद के लिए, जो कि कभी कभी काट भी देती हैं रास्ते में चलते हुए। ये देखिए पुराने घर, कितना पुराना घर, ये देख रहे हैं जो आप, नीला वाला ये हमारा घर है पुराना वाला, और ये है हमारी दादी जी। काफ़ी चढ़ाई है, सांस फूल रही है। हमने भी यहाँ पे एक घर बनाया है क्योंकि वो पुराना हो गया था, काफ़ी बन रहा है अभी, अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। ये है छोटा सा प्यारा सा घर हमारा जो बन रहा है अभी, 1-2 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। हाँ पहुँच गए पहले, ये है हमारा पुराना घर जहाँ पे हम अभी रहते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना। अरे काम चोर, हम आराम से बोला था ना, हम आराम से आए, नंबर का ना प्रणाम, बढ़िया बढ़िया प्रणाम, बढ़िया बढ़िया। ये है मेरी दादी जी, दादाजी ये है दादाजी। तो गाइस ये है मेरा घर गांव का, ये पूरा आगे भी है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी आपको सब आगे दिखाएंगे, ऐसे ही बने रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हो।
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।